Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will talk about the bit source. In this lecture, the students will be able to define bit source, stages of bit source and the prevention sites of bit source, the causes of bit source and purpose of treatment and material used in treating bit source and the procedure of bit source and dressing and cleaning the wound. Here we will first discuss about the definition. Bit sore is an ulcer formed at some parts of the body where the circulation is poor or where there is pressure, irritation and disability of the tissues. Bit sores kya hai? Bit sore jo hai ek ulcer hota hai, ulcer formation hoti hai. Body ke kisi bhi part mein ho sakti hai ye. Jahan pe circulation stop ho rahi ho, yahan pe circulation jo hai bahut poor ho, ya phir wahan pe pressure ho raha pad raha ho body ke dusre parts ka, ya irritation ho rahi ho, ya yahan jahan us body part mein disability ho. यानी कोई टिश्यूज़ जो हैं वो डिसेबल हो गई हैं, उनमें मूवमेंट ना हो रही हो, उनके लिए ब्लड सप्लाई रुक गई हो, तो उस एरिया में बेड सोर्स बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. तो इसलिए जहाँ पे बॉडी के जिस पार्ट में भी अल्सर फॉर्मेशन हो जाए फिर उसे हम क्या नाम देते हैं, बेड सोर नाम देते हैं. क्योंकि मोस्टली ये बेड रिडन पेशेंट्स में ही होता है या जो व्हीलचेयर पर होते हैं उन पेशेंट्स में होता है. इस वजह से हमसे क्या कहते हैं कि अल्सर फॉर्मेशन हो गई है और ये मोस्टली बोनी एरियाज में होती है. जहाँ पे बोन होते हैं उसी एरिया में बेड सोर की भी फॉर्मेशन हो जाती है. प्रेशर ऑफ बेड सोर इज समटाइम लॉस ऑफ स्किन एंड समटाइम डीपर टिश्यू अकरिंग इन पेशेंट कन्फाइंड टू बेड और व्हीलचेयर्स. तो ये मोस्टली उन पेशेंट्स में होगा जो कि कन्फाइंड हो गए होंगे किस चीज़ के, बेड पे और व्हीलचेयर पे कन्फाइंड हो जाते हैं. यानी जिनके लोअर लिम्ब के इश्यूज होते हैं या जो पैरालाइज्ड पेशेंट होते हैं उनके बेड सोर बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. और ये पहले तो स्किन लूज हो जाती है, उसके बाद फिर इसमें डीपर टिश्यूज़ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. बेड सोर्स की यहाँ पे एक मेयरिंग की गई है जो कि बैक पे बेड सोर बना हुआ है एक पेशेंट के, और एक नर्स यहाँ पे मेयर करी कि वो किस डिग्री पे है, क्योंकि वहाँ पे जो मसल लेयर हैं वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, ऑलमोस्ट बोन तक पहुँच गया है जो सोर बना है. स्टेजेस ऑफ बेड सोर्स क्या है हमारे पास, इसके फोर स्टेजेस होते हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास इन्वॉल्व होता है क्या, स्किन इन्वॉल्व होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, उसके बाद फिर मसल्स और देन बोन इन्वॉल्व हो जाते हैं. यहाँ पे डायग्राम में इमेजेस में जो दिखाया गया है वो क्या है कि स्टेजेस बताए गए हैं कि कौन से स्टेज पे किस तरह की फॉर्मेशन हो जाती है अल्सर की. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में रेडनेस एंड डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्किन की डिस्कलरेशन हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, रेडनेस हो जाती है उस एरिया में जहाँ पर बेड सोर बन रहा हो, और क्या होता है इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज दिखाया गया है, सिर्फ इसमें स्किन के ऊपर रेडनेस है और थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन शो हो रही है. सेकंड स्टेज में क्या है, एब्रेशंस विद सीरम डिस्चार्ज. एब्रेशन का मतलब ये है कि वहाँ पे कट डाउन हो जाएगी स्किन, स्किन थोड़ी सी डैमेज हो जाएगी और उसके बाद सीरम या फ्लूइड का, किसी फ्लूइड का डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इस स्टेज टू के इस पिक्चर में दिखाया गया है कि क्या हो रहा है, एब्रेशन हो गई है, स्किन यहाँ पर ख़राब हुई है और साथ में थोड़ी सी अल्सर फॉर्मेशन हो गई है. स्टेज थ्री में क्या होता है, स्टेज थ्री जो है इसमें वूंड फॉर्मेशन हो जाती है या फिर अल्सर अकर हो जाता है. पूरी तरह से अल्सर फॉर्मेशन कौन से स्टेज में होगा, स्टेज थ्री में, जहाँ पे पूरी तरह ज़ख़म बन जाता है, जो कि इस इमेज में दिखाया गया है कि इसमें पूरी तरह से ज़ख़म बन गया है. पहले तो स्किन लेयर इन्वॉल्व हो गई है, सबक्यूटेनियस स्किन लेयर, उसके बाद स्किन की जितनी लेयर्स हैं वो ख़राब होने के बाद मसल लेयर पर पहुँच गई, फैट लेयर इन्वॉल्व हो गई, फिर मसल लेयर, तो यहाँ पर एक पूरी तरह से प्रॉपर वूंड बन गई है. और फिर फोर्थ स्टेज में क्या होता है, पस कम्स आउट देयर एंड इन्फ्लेमेशन एंड इवन बोन्स कैन बी सीन. ये फोर्थ स्टेज जो है जिसमें बोन्स तक पहुंच जाता है वो जो वूंड है, और साथ में पस फॉर्मेशन भी हो जाती है. जब उस एरिया में पस फॉर्मेशन हो जाए, जहां बहुत गहरा हो जाए, बहुत डीप चला जाता है, इवन बोन्स भी दिखाई देते हैं, और फिर बोन्स की भी क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, डिकम्पोजिशन हो जाती है, वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और बोन्स का भी अल्सर स्टार्ट हो जाता है. फिर स्टेजेस को दोबारा से दूसरे स्लाइड में भी ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट स्टेज पे दिखाया है यहाँ पे कि प्रेस किया है स्किन को जहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे बोनी पार्ट आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसके ऊपर ही प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि एक बेडरिडन पेशेंट जो है वो बेड पे पड़ा होता है, तो उसकी जो एरिया है जैसे कि थाइज़ हैं या फिर उसकी एल्बो जॉइंट्स हैं, उस एरिया में प्रेशर पड़ रहा होता है और वहाँ पर मसल कम होते हैं इज़ कम्पेयर टू दूसरे फ्लैशी एरियाज़. तो स्किन की यहाँ अनब्रोकन स्किन है लेकिन इसमें इन्फ्लेमेशन हुई है, यानी इन्फ्लेम्ड स्किन है. सेकंड स्टेज में क्या है, स्किन इज़ ब्रोकन टू एपिडर्मस और डर्मस. यहाँ पे स्किन की जो लेयर है वो डर्मस और एपिडर्मस तक ब्रोकन हो गई है, यानी कि उसकी ब्रेकडाउन हो चुकी है. थर्ड स्टेज में क्या है, अल्सर एक्सटेंड्स टू सबक्यूटेनियस फैट लेयर. अल्सर जो है वो आगे प्रोसीड हो रहा है इसमें, और कितना आगे चला गया है, जो सबक्यूटेनियस फैट लेयर है वो भी इन्वॉल्व हो चुकी है.
ऊपर से स्किन की जितनी लेयर है वो इन्वॉल्व हो चुकी थी, लेकिन अभी थर्ड स्टेज में उसकी फेट लेयर भी इन्वॉल्व हो चुकी है। फिर फोर्थ स्टेज है, फोर्थ में आप देख सकते हैं इस इमेज में कि अल्सर एक्सटेंड टू मसल्स आर बोन्स। अल्सर तो बन गया है, अभी वो किस तक पहुँच गया है, अभी वो पहुँच गया है बोन तक, बोन तक प्रोसीड होके वहाँ पे बोन भी नज़र आ रहा है, बाकी जितने भी मसल और स्किन लेयर्स थे वो सारे डैमेज हो चुके हैं। साइड्स ऑफ बेड सोर्स, बेड सोर्स के कौन कौन से साइड्स होते हैं? बेड सोर्स के ऐसे साइड्स हैं जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा हो, जहाँ पे मसल कम हो, उन एरियाज में बेड सोर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें सबसे टॉप पे हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे टॉप में ऑक्सीपिट है। ऑक्सीपिट यानी कि हमारी हेड का जो बैक वाला एरिया है, जो ऑक्सीपिटल एरिया मोस्टली वो है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, स्पाइनस प्रोसेस है, जो स्पाइन का हमारा प्रोसेस है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जो कि वर्टिब्रल कॉलम में कवर है, तो वो प्रोसेसेस हैं। सेकेंड हमारे पास स्केपुला, स्केपुला क्या है कि जो बैक है हमारी आर्म की, शोल्डर की जो बैक होती है वो है, तो उसमें भी क्या हो जाता है, वहाँ पे प्रेशर पड़ रहा होता है, बंदा एक पोजीशन में सो रहा हो, उसे पोजीशन चेंज ना कर रहा हो, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, बेड सोर फॉर्मेशन। फिर हमारे हमने बताया कि अभी जो साइड्स होते हैं उसमें ऑक्सीपिट है, स्पाइनस प्रोसेस है, स्केपुला है, शोल्डर भी इन्वॉल्व है, एल्बो जॉइंट है जो यहाँ पे दिखाया गया है, और साथ में सेक्रम बोन है इसमें, और फिर कौन सा बोन है, नी है, हील है, और साइड ऑफ फुट। ये सारे हमारे पास कौन से एरियाज हैं कि जहाँ पे बोन की जो है प्रोसेस ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं एज़ कम्पेयर टू दोस एरियाज जहाँ पे मसल ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, इन एरियाज में इनमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बेड सोर्स बन जाएँ, और जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनके सबसे ज़्यादा बन जाते हैं। फिर कॉजेज ऑफ बेड सोर्स, बेड सोर्स के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं कि किन वजूहत की वजह से बेड सोर्स बनते हैं? तो पहले तो फर्स्ट कॉज हमारे पास जो है कंप्रेशन ऑफ टिशू, उस एरिया में बेड सोर बनेगा जहाँ पे टिशू कंप्रेस्ड हो जाए, यहाँ बिल्कुल उनकी ब्लड सप्लाई रुक जाए और उन पर प्रेशर हो, शेयरिंग फोर्सेज। और ऐसे एरियाज में भी बेड सोर्स बनेंगे जहाँ पे फोर्स हो बहुत ज़्यादा, काफ़ी टाइम से, प्रोलॉन्ग टाइम से फोर्स हो उस एरिया पे, तो उसकी वजह से भी बन जाते हैं। थर्ड है मॉइस्चर, उस एरिया में मॉइस्चर हो साथ में प्रेशर भी हो तो उसकी वजह से भी बेड सोर्स बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर क्या होता है कि मॉइस्चर की वजह से उस एरिया में कोई बैक्टीरिया वगैरह की एक्यूमुलेशन या उनकी ग्रोथ होती है, और उस पर प्रॉपर तरीके से धूप ना लगे, प्रॉपर तरीके से उसकी क्लिनजिंग ना की जाए, तो उसकी वजह से भी बेड सोर्स बनने के चांसेस होते हैं। वहाँ पे स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन डैमेज होने के बाद बाकी टिश्यूज़ को भी इन्वॉल्व कर लेती है फ्रैक्शन की वजह से, और फ्रैक्शन उस एरिया में होता है जहाँ पर स्पेस कम हो। जो कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो व्हीलचेयर पे बैठे होते हैं काफ़ी टाइम, तो उनकी बॉडी के उसकी व्हीलचेयर के साथ फ्रिक्शन काफ़ी टाइम से रहता है, तो इसकी वजह से भी बेड सोर्स बनते हैं। पुअर स्किन हाइजीन, जिन लोगों की स्किन हाइजीन प्रॉपर नहीं होती, जो अपनी स्किन की प्रॉपर केयर नहीं करते, तो उनकी स्किन पे भी क्या है, बेड सोर्स बनते हैं। फिर पुअर जनरल न्यूट्रिशन, और ये ओल्ड एज में जो लोग होते हैं वो अक्सर खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहे होते, प्रॉपर डाइट नहीं लेते, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि उनकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं होने की वजह से भी उनकी स्किन डैमेज और मसल डैमेज हो जाते हैं, और वो प्रॉपर अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी उनकी होती है वो ठीक नहीं होती कि वो दूसरे माइक्रोब के साथ क्या करे, फाइट कर सके। इसकी वजह से भी क्या होता है कि उनकी स्किन ख़राब जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनके पास न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं उनकी बॉडी में, और लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो उसकी वजह से भी बन जाती है। लैक ऑफ स्पॉन्टेनियस बॉडी मूवमेंट्स, अगर आपकी बॉडी की मूवमेंट भी प्रॉपर नहीं है तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि बेड सोर्स बन जाते हैं। तो ये थे हमारे पास कॉजेज ऑफ बेड सोर्स। और फिर बेड सोर्स की प्रिवेंशन क्या है, बेड सोर्स की प्रिवेंशन ये है कि आपने क्या करना होगा, पहले तो हमें पता है कि अगर फोर्स वहाँ पे है तो हमने फोर्स को हटाना होगा, फोर्स किसी भी एरिया के ऊपर, बॉडी पार्ट के ऊपर फोर्स नहीं करना होगा। प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर्स इज़ वन एसेंशियल पार्ट ऑफ नर्सिंग, द प्रिंसिपल टू प्रमोट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द प्रेशर एरियाज, जहाँ पे प्रेशर एरियाज हैं वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई अगर प्रॉपर तरीके से हो तो वहाँ पे बेड सोर नहीं बनेंगे। द यूज़ ऑफ ट्रिपल मेट्रेस फिट बेड कॉजेज प्रेशर सोर्स, सो यूज़ द एयर मेट्रेसिस, तो इसलिए क्या करना होगा, अगर एक मेट्रेस पे बंदा कोई पेशेंट सो रहा है तो आपने देखना है कि वहाँ पे बेड सोर्स के चांसेस होते हैं, तो आपने ट्रिपल मेट्रेसिस देने होंगे या रिपल मेट्रेसिस वहाँ पे यूज़ करने होंगे, रिपल मेट्रेस से भी बेड सोर्स नहीं बनते। फिर आपने क्या करना होगा कि एयर मेट्रेसिस रखते हैं अक्सर हॉस्पिटल में, जो प्रोलॉन्ग कोमा में पड़े हुए पेशेंट्स होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट, तो वो तो बेड पे ही होते हैं, इसीलिए उनके मेट्रेसिस के ऊपर एक और चीज़ यूज़ की जाती है, उसका नाम है एयर मेट्रेस, जो कि एयर फील होती है, उसके अंदर एयर होता है, और इसकी वजह से उसके बॉडी पार्ट जो हैं वो नीचे बेड के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, टच नहीं होते, और वो क्या होता है, बेड सोर से प्रिवेंट हो जाता है वो पेशेंट।
purpose of treatment. अभी मकसद क्या है इसे ट्रीट करने का? टू रिफ्रेश द पेशेंट एंड रिलीव द फटीक. इसके बॉडी की जो थकावट है वो ख़त्म करना और पेशेंट को रिफ्रेश रखना है. टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन एंड टू द एरिया. ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड की सर्कुलेशन को उस एरिया पे जहाँ पे ब्लड सोर्स हैं तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपने इसकी ट्रीटमेंट करनी है. टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ प्रेशर एरिया. जो प्रेशर एरिया है उसकी कंडीशन को ऑब्जर्व करना है कि वो ठीक हो रहा है, कि ये ना हो कि उसकी वजह से और भी इन्फेक्शन लग रहे हों पेशेंट को और वो और भी सफ़र हो रहा हो. तो इसीलिए पेशेंट की कंडीशन को देखने के लिए भी आपने क्या करना है, इसकी ट्रीटमेंट करनी है. यहाँ पे दिखाया गया है कि अर्ली स्टेजेस में इस तरह से इन्फ्लेमेशन और रेडनेस हो जाती है. इन्फ्लेमेशन और रेडनेस के बाद लेट स्टेज में फिर अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है उसी एरिया में. मटेरियल्स क्या यूज़ करेंगे आप इसके ट्रीटमेंट में? यहाँ पे जो इमेज में मटेरियल्स दिखाए गए हैं कि स्पिरिट आर 50% अल्कोहल, टलकम पाउडर, टॉवल, बेड सोर स्क्रीन, बॉल विद वार्म वाटर, सोप और ग्लव्स. ये सारी चीज़ें आपके पास क्या होंगी? मटेरियल्स होंगी कि जो आप यूज़ कर सकते हैं बेड सोर्स को ट्रीट करने के लिए. प्रोसीजर क्या है? द पेशेंट इज़ इन्फॉर्म अबाउट द प्रोसीजर इफ़ कॉन्शियस. अगर पेशेंट कॉन्शियस है आप प्रोसीजर जो है इन्फॉर्म कर देंगे उस पेशेंट को. अगर नहीं है तो आप उसके अटेंडेंट्स को बता दें कि प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं. बेड साइड स्क्रीन लगा देंगे उस पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि बेड सोर्स इस एरिया में बने होते हैं, मोस्टली पेशेंट के बैक पे बने होते हैं, लोअर बैक पे. तो आपने क्या करना होगा, वहाँ की प्राइवेसी जो है पेशेंट की वो मेंटेन करनी होगी. तो आपने फिर ये भी करना है कि जो बेड की पोजीशन है, जो बेड का हेड है, वो आपने फॉलर्स पोजीशन में नहीं रखना है, वो कंट्रा इंडिकेटेड है. आपने वो हेड डाउन करना है जब आप प्रोसीजर कर रहे हो. इफ़ एनी बैंडेज प्रेजेंट देन रिमूव इट. अगर बेड सोर के एरिया पे कोई बैंडेज लगा हुआ है पहले से तो आपने वो रिमूव करना होगा. फिर आपने वहाँ पे उसकी क्लिनजिंग करनी होती है. पेशेंट को उसकी साइड लाइन पोजिशन पर करना होगा. जो टॉवल आपके पास होगा वो पेशेंट की बैक पे आपने बिछाना है, वो टॉवल रखना है. उसके बाद जो थोरली आपने वॉश करना है उसकी बाकी स्किन को सोप के साथ और वाटर के साथ, हैंड्स के जो है प्रॉपर तरीके से आपने हैंड्स पे वो सोप लगा के पेशेंट की जो बैक है वो प्रॉपर तरीके से आपने क्लीन करना है. फिर उसके बाद वॉश करके ड्राई करना है टॉवल के साथ. टलकम पाउडर लगाना है बैक पे और रब करना है प्रॉपर तरीके से और जेंटली करना है. पेशेंट को कवर करना है टॉप बेडिंग के साथ. फिर आपने क्या करना है कि जो एरिया है वाउंडेड एरिया, उस पर आपने उस एरिया को अल्कोहल के साथ उसके बाद स्टेराइल ड्रेसिंग करनी है, क्लीन करके वहाँ पे जो ड्रेसिंग पहले से है वो रिमूव आपने की हुई होती है. तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप उसे पहले क्लीन करोगे वेट गॉजेस लेके, उसके बाद फिर आप उसे ड्राई करोगे, फिर उसके बाद आप उसकी ड्रेसिंग करोगे. उसके ऊपर आपने बैक्टेरिक ग्रास लगाना होगा या फिर जो वाउंडेड एरिया है अगर वो डैमेज हो गया है तो आपने इस तरह की चीज़ कोई अगर क्रीम डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है या फिजिशियन ने, जैसे कि पॉलीएक्टिल एन क्रीम नाम से आती है, इस बेड सोर के ऊपर अक्सर लगा रहे होते हैं, ये जल आपने उसके ऊपर लगाना होगा और इस तरह की आपने बैंडेजेस उस पर करने होंगे. फिर ट्रीटमेंट में क्या है कि नर्सिंग केयर मोस्टली इंपॉर्टेंट है इसमें, कि प्रॉपर तरीके से नर्सिंग केयर में क्या चीज़ें हैं कि उस पेशेंट की स्किन केयर, उसकी पूरी बॉडी की केयर करनी हो और उसकी जो बेड लिनन है वो डेली बेसिस पे चेंज करने हों. साथ में पेशेंट की प्रॉपर पोजिशनिंग एवरी 2 आवर्ली उसकी पोजिशनिंग अगर दी जाए और बॉडी को मूवमेंट्स दी जाएँ, एक्सरसाइज दिया जाए, तो इससे क्या हो सकता है कि बेड सोर्स बनने के चांसेस बहुत कम होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कि नर्सिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, जैसे मैंने बताया कि पोजिशनिंग देनी होगी 2 आवर्ली, ड्रेसिंग करनी होगी बेड सोर के ऊपर और कीप द वुंड ड्राई. जो वुंड है हमारे पास है पेशेंट का तो उसे हमने ड्राई ही रखना होगा, ये ना हो कि उससे पस फॉर्मेशन हो रही हो और वो ड्रेनेज हो रही हो तो उसकी प्रॉपर केयर ना हो तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. एयर कुशंस यूज़ करने होंगे, बेड शीट्स जो है इस तरह के यूज़ करने होंगे वो रिंकल फ्री हो, यानी कि वो बिल्कुल अपनी पोजिशन में हो, ये ना हो कि उसमें रिंकल बन जाए और बेड सोर के चांसेस बढ़ जाएँ. बेड सोर्स की होम ट्रीटमेंट किस तरह हो सकती है और होम रेमेडीज़ के साथ भी, कि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ली जाए, प्रॉपर तरीके से रेस्ट किया जाए और अपनी पोजीशनिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखी जाए, बेड लिनन प्रॉपर करके, साथ में टर्मेरिक पाउडर जो है ये चीज़ें यूज़ की जाएं. और फिर क्या, हनी अगर प्रॉपर यूज़ करें लोग, एलोवेरा के साथ भी और ऑलिव ऑयल, ये मसाज वगैरह के लिए यूज़ हो सकता है. तो इन चीज़ों के साथ भी क्या होता है कि आपने स्पेशल अगर आपको सपोर्ट हो, एयर कुशंस यूज़ किए जाएं, तो आप घर पे भी पेशेंट जो ऐसे होते हैं जिनकी बेड सोर फॉर्मेशन हो रही होती है या फिर ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनकी केयर आप दे सकते हैं, उनको बेड सोर से बचा सकते हैं. थैंक यू सो मच. यहाँ पे नर्सेज के बारे में बताया गया है कि नर्सेज जो होती है वो कम्फर्ट देती हैं, कम्पेशन देती हैं और केयरिंग जो है विदाउट नर्सेज इम्पॉसिबल है, जो कि सिर्फ नर्सेज ही दे सकती हैं. थैंक यू सो मच.